समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनके वरिष्ठ नेता आजम खान का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसकी शिकायत करने के लिए सपा प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी मुख्यालय में डीजीपी से मुलाकात भी की। पूर्व मंत्री समेत 4 सदस्यों ने डीजीपी से मांग की कि आजम खान और उनके परिवार पर किया जा रहा उत्पीड़न रोक दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर लिखित शिकायत भी दर्ज की है। आपको बता दें कि सपा ने डीजीपी को दिए पत्र में लिखा है कि आजम खान पर मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि आजम खान के प्रति पहले भी कार्यवाही की जा चुकी है। वह इसका विरोध भी करते हैं और उनके निर्दोष होने की बात भी कहते रहते हैं। इसके बावजूद भी भाजपा उनसे नफरत करती है क्योंकि आजम खान ने रामपुर में गरीबों की तालीम की व्यवस्था करने का गुनाह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।